तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दो रेशियो ना। इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड जो, हाँ, अब हम जब बात कर रहे हैं किसकी बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, तो इसको ध्यान से डायरेक्ट समझो। प्रोपोर्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे 1/2 लिखा है और लिखा है 5/10, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो ये भी 1/2 आता है, आ रहा है? यस सर, तो ये यस सर। आपकी, यही आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्या एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? यानी कि जब भी आप दो डायरेक्ट रेशियो, प्रपोर्शन का। हाँ, जब आप दो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो, अगर हम मान लेते हैं 4/5 और ले लेते हैं हम 16/20, तो अगर आप 16/20 रिड्यूस फॉर्म में लिखोगे तो ये भी क्या आएगा, 4/5 आ रहा है। तो जब ये भी फोर यस अपॉन फाइव सर, आ रहा है और ये भी 4/5 है, दोनों की वैल्यू सेम है, सो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, चलो, एक एक यस क्वेश्चन मैं सर। करा दे रहा हूं आपको, आगे बढ़ लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चंस में आप अगर आप देखेंगे, एक ए एग्जांपल ही ले लो, यहाँ एक्स अपॉन वाई का रेशियो दिया है और आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितनी है, यहाँ देखेंगे, अगर आप 1/5 हो वन अपॉन फाइव। तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो तो ये भी 1/5 आएगा, इसको भी अगर हम करेंगे तो ये भी 1/5 आएगा, इसको भी अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये भी 1/5 आएगा। तो यानी कि ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आप कर लोगे ये क्वेश्चन? चलो, यस अब आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसे मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, एक सेकेंड, चलो यहाँ ध्यान दो। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालेंगे? अब जैसे यहाँ पर ध्यान दो, आपका वाई का नहीं है वैल्यू, तो इसे वाई वन मान लिया, इसे एक्स वन मान लिया और इसे वाई टू मान लिया, ये वैल्यूज मिसिंग है। अब ये कहना चाह रहा है कि यस डायरेक्ट प्रोपोर्शन सर। में है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जहां पर दोनों नोन वैल्यूज गिवन है, जैसे इस केस में 21/3 वैल्यू गिवन है, यस सर। तो इसको पहले लिख लो, 21/3 लिख लिया, ठीक है। अब आपको अननोन वाला उठाना है, जैसे यहाँ पर 14/y1 है ये वाला, तो अब इसको उठा लो, तो 14/y1 हो जाएगा। अब क्या करना है, नॉर्मल वही आपको रेसिप्रोकल करना है। सबसे पहले रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/21 और ये हो जाएगा y1/14। अपन अब 14। आपको y1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको वही यही छोड़ के आपको 14 उधर जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 14/21, डिवाइड में था, सेवन टू जा ट्वेंटी मल्टीप्लाई। फोर्टीन 7 3 जा, सो 2 आपका आंसर आ गया, यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, टू। इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए? यस सर। अब एक वर्ड प्रॉब्लम बता दे रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, यहाँ पर अगर आपको पता कैसे चलेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है कि इनवर्स प्रोपोर्शन की है? सो अगर आप देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको हमेशा यहाँ क्वांटिटीज पता करनी है। क्या पता करनी है बेटा, क्वांटिटीज पता क्वांटिटीज। करनी है, ठीक है, क्वांटिटीज लिख लेनी है। जैसे यस यहाँ सर। देखो, आपका कॉस्ट दिया हुआ, एक क्वांटिटी कॉस्ट हो गई तो कॉस्ट लिख लो, और एक हो गया टोमेटोज, आप कह सकते हैं मास लिख लो, अब मास ऑफ टोमेटो लिख लो इसको एक तरीके से, टोमेटो, ठीक है। अब एक चीज समझो, यस अगर आप टोमेटोज का ज्यादा, जितने ज्यादा केजी लेंगे उतना ज्यादा प्राइस होगा आपका, सर। है ना? तो यानी कि अगर आप आरएचएस में वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एलएचएस में भी आपका जो है क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों यस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो बस सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना है, पहला रेशियो बनाना है। क्या बनाना है, पहले स्टेप में
रेशियो बना लेना है, ठीक है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे यहाँ पर एक कॉस्ट दी हुई है, मैंने क्या कहा कौन सी क्वांटिटी, एक कॉस्ट हो गई और एक हो गया मास ऑफ टोमेटोज, तो लिखो कॉस्ट अपॉन मास ऑफ टोमेटो लिखोगे, हाँ तो कॉस्ट की जगह कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट कितना है आपका 525 है, हाँ 525 मास की जैसे, जगह आपका हाँ वैल्यू 525 दैट इज आपका 25 आ गया, लास्ट 25 kg। आ गया। चलो यस सेकंड सर। स्टेप में आपको ये चीज देखनी है कि किसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या देखना था आपको, किसकी वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर नहीं है। आपको मास ऑफ टोमेटो तो दिया है 10 kg, कॉस्ट निकालना है, तो जहां मास ऑफ टोमेटो लिखा है वहां उसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा कॉस्ट अपॉन आपका यहाँ 10 आ जाएगा, मास ऑफ टोमेटो 10 आ जाएगा इक्वल टू 525 अपॉन 25। ये समझ हाँ, आया 525 कैंसिल। हेलो, तक्षम, ये चीज समझ आई, हमने 10 क्यों रखा यहाँ, ये नहीं ये सर, ये नहीं समझ आया वो। टेन की का दिया ऑल्स हुआ है ना, हाँ देखो सर। इसको एरो को देखो, जहां पर एरो दिया हुआ है देखो, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ना हाँ मास, 10 kg, तो 10 kg। हाँ, 10 kg। हमने मास ऑफ टोमेटो 10 kg रख दिया, और क्या करा है, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो, कॉस्ट कितना आ यस सर। जाएगा 525 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 0, 5 5 तो बेसिकली कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 1 0 आपका कॉस्ट आ जाएगा, समझ आ गया सक्षम, ठीक यस सर। है चल।